वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुषिया मैम एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए सो so, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है सेशन को कॉमन सेक्शन जल्दी जल्दी भर दो तो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन ठीक है तो हाँ जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सबको हाई सबको गुड इवनिंग ठीक है uh, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्लास में क्या होने वाला है अरे हाँ आज तो होली थी तो तुम लोगों ने होली होली मना ली होगी ना यार अब तो मतलब इट इज टू लेट दिन खत्म हो रहा है बट स्टिल हैप्पी होली तो कैसा रहा आज का दिन वैसे तो तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम का टाइम है तो वो फेस्टिविटीज का जोश हल्का सा कम चल रहा होगा है ना हाँ आग्ना हाय मनीषा हाय राजिया हाय विकास अब्दुल वंदना सबको हाय और किस, -किस ज्वाइन कर लिया है आ, इशिका अच्छा इशिका तुमने ऐसी कमेंट करा वी मैक्स हेलो मेरा नाम भी ले लीजिए निष्ठा हाय निष्ठा कैसे हो आप हाँ वंदना हेलो संजीत हैप्पी होली आ, हिट सॉन्ग्स ईशांत ठीक है हाय यार सबको हाय ओके अब करें ये सेशन स्टार्ट ठीक है आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें जल्दी से टाइम टेबल बता देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्लासेस कब होती हैं इस चैनल पर तो बेसिकली दो टाइमिंग्स हैं जिन पर मैं लाइव होती हूँ इस चैनल पर एक तो अभी नौ बज रहे हैं तो नौ बजे तो तुम्हारी क्लास होती है ठीक है नौ बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी वाली जो बुक है उसे कवर कर रहे हैं आज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे साथ 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 ही सुबह बजे भी आप लोगों की क्लास होती है मेरे जिसमें हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी के सारे चैप्टर्स को फिनिश कर रहे हैं तो कल भी ग्यारह बजे क्लास होगी ठीक है यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं सारे बच्चे टाइम से पहुंच जाना चलो तो ये तो कल की क्लास के बारे में है हम लोग आज की क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं तो अगर तुम सीबीएसई का सिलेबस उठाओ तो प्रॉपरली उन्होंने डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस लिखा हुआ है ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाम तो एनसीईआरटी में कहीं दिख ही नहीं रहा बेसिकली हमें क्या करना है हमारे बुक में जो चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इस चैप्टर को कवर कर लेना है इस टॉपिक के अंदर और कुछ भी नहीं है तो काफी बच्चे कन्फ्यूज हैं कि मतलब क्या करना है तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है इसी चैप्टर को हमें इसमें कवर करना है अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देती हूं तुम लोगों ने सुन रखा होगा इमरजेंसी के टाइम पीरियड के बारे में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था इंडिया में तो बेसिकली उसी टाइम पीरियड के बारे में इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो यहां तक तो क्लियर है ना सबको अन्वेशा हाय शुभमन हाय ठीक है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डालो अगर तुम लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए कॉमन सेक्शन एकदम भर दो फायर इमोजीज के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अनवीश मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसे हो क्लास क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं यार यहाँ मेरा भी नाम ले लीजिए नैतिक हाई ले लिया तुम्हारा नाम ठीक है अखिलेश हेलो यशिका हाई अरे थैंक यू सो मच ज्योति माई हेलो आई होप मैंने नाम से ही बोला यार संजीत अन्वेशा ओके सीयू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है हम सेपरेट सेशन लगा सकते हैं टी के ऊपर पर हाँ मैं बेसिकली अभी के लिए तुम्हें एक लाइन में अगर समझाऊं तो ट्वेल्थ की जो तुम्हारी बुक्स हैं उनको अच्छे से एनसीआरटी को अच्छे से अपने टिप्स पे ले आओ उतना ही है सीयूटी की प्रिपरेशन में भरत हाई चलो ठीक है यार करते हैं स्टार्ट द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हमारे चैप्टर का नाम है ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैकग्राउंड टू इमरजेंसी ठीक है तो डायरेक्टली एकदम इमरजेंसी में नहीं कूद जाएंगे पहले हम समझेंगे कि वो क्या माहौल था जिसके अंदर हमारी इंदिरा गांधी जी को लगा कि शायद इमरजेंसी लगा देनी चाहिए बैकग्राउंड समझेंगे उसके पीछे की हिस्ट्री समझेंगे तो जो पिछला चैप्टर था पिछले चैप्टर तक तो हम लोगों ने समझा कि इंदिरा गांधी जी बहुत बढ़िया चल रही थी है ना एक टावरिंग लीडर थी मतलब उनकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ जाती है एंड इलेक्शन में भी वो बहुत कमाल तरीके से परफॉर्म करती हैं ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ना पर इस टाइम पर बहुत सारी दिक्कतें भी थी पिछले चैप्टर का एंड थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से होता है कि हाँ कांग्रेस के लिए सब बढ़िया चल रहा था पर इस टाइम पे कुछ कुछ दिक्कतें भी थी एक दिक्कत क्या थी इस टाइम के अराउंड ना जुडिशियरी और गवर्नमेंट की आपस में बन नहीं रही थी जुडिशरी तो पता है सबको जुडिशरी मतलब हमारे इंडिया में जो कोर्ट एंड जजेस का सिस्टम है है ना तो इस टाइम के अराउंड गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ये लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे आ, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी देती हूँ तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि बीच में हमारी गवर्नमेंट ने क्या ट्राई करा था एक फंडामेंटल राइट right को हटाने की कोशिश करी थी तो ये चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगती तो ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर जुडिशरी और गवर्नमेंट की हमेशा लड़ाई होती रहती थी ठीक है एंड कांग्रेस पता हमेशा क्या कहती थी कांग्रेस कहती थी कि जो जुडिशियरी है जुडिशियरी को कांग्रेस पसंद नहीं है क्योंकि कांग्रेस गरीब लोगों की मदद करना चाह रही थी एंड जुडिशियरी फालतू में कुछ ना कुछ करके इंटरफेयर करती रहती थी ये कांग्रेस का मानना था पर जुडिशियरी क्या कहती थी कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही है वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही इसीलिए हम लोग इंटरफेयर करते हैं ठीक है नेक्स्ट इस दौरान जो कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टीज थी उनको भी ऐसा लगने लग गया कि कांग्रेस अपने पावर्स को मिसयूज कर रहा है तो इंदिरा गांधी के जो एनिमीज थे ना मतलब जो पार्टी के लोग थे वो इस टाइम पे बहुत शार्पली क्रिटिसाइज करते थे इंदिरा गांधी को ठीक है एक तो ये चल रहा था नेक्स्ट हमारे कंट्री की इकोनॉमी को समझते हैं ठीक है उस टाइम पर क्या हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही थी वो समझते हैं पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब 1971 का इलेक्शन होता है कांग्रेस एक सुपर फेमस स्लोगन यूज करती है गरीबी हटाओ है ना मतलब पावर्टी को इंडिया से हटाओ पर इसके चलते कुछ खास बदलाव नहीं आता इंडिया में ठीक है तो 1971 या फिर 1972 के बाद भी हालांकि कांग्रेस ने बहुत नारे लगाए थे कि हम तो गरीबी हटाने वाले हैं गरीबी ज्यादा कम नहीं होती इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद जब बांग्लादेश क्राइसिस होता है बांग्लादेश क्राइसिस याद है सबको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है तो जब बांग्लादेश क्राइसिस होता है तब हमारी इकोनॉमी और खराब हो जाती है मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कुछ एट मिलियन लोग हमारे इंडिया में आ जाते हैं बांग्लादेश से रेफ्यूजीज उनका ध्यान रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसके बाद हम लोग पाकिस्तान के साथ वॉर करते हैं उस टाइम पे पाकिस्तान एंड यूएसए बेस्ट फ्रेंड्स थे तो जैसे हम पाकिस्तान के साथ वॉर करते हैं यूएसए बुरा मान जाता है और यूएसए हमारी हेल्प करना बंद कर देता है आ, इसी टाइम के अराउंड क्या होता है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो प्राइसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग जो आम लोग थे उनके लिए इंडिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था हर एक चीज का दाम बढ़ रहा था फॉर एग्जाम्पल नाइनटीन तक आते आते ट्वेंटी इंक्रीज था दाम में प्राइस में एंड 1974 तक आते आते 30 परसेंट का इंक्रीज था तो इन्फ्लेशन का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था हमारे इंडिया में इस टाइम के अराउंड इंडस्ट्रीज कुछ ज्यादा ग्रो नहीं कर रही थी बेरोजगारी बहुत कॉमन होता जा रहा था गांव के लोग तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा परेशान थे गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो चुका था तो गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज से बोला मतलब जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एम्प्लॉयज थे उनसे कहा गया कि तुमको सैलरी हम लोग नहीं देंगे तो इस टाइम के अराउंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी गवर्नमेंट से परेशान थे नेक्स्ट 1972 तक आते आते हमें पता है कि मॉनसून फेल हो जाता है मतलब बरसात नहीं होती इंडिया में जिसके चलते खेती अच्छे से नहीं हो पाती और खाने की कमी पड़ जाती है ठीक है हमारा जो फूड ग्रेन आउटपुट था वो 8 परसेंट से डिक्लाइन कर जाता है जिसके वजह से फूड क्राइसिस भी हमारे इंडिया में स्टार्ट हो जाता है अब देखो रूलिंग पार्टी के रूल के अंडर बहुत सारी गलतियां हो रही थी इंडिया में जाहिर सी बात है ऑपोजिशन पार्टी इस चीज का फायदा उठाएगी तो जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी थे कांग्रेस को छोड़ के जितने ऑपोजिशन पार्टी थे उन सब ने जनता को भी मतलब ऐसे भड़काना स्टार्ट कर दिया कि देखो कांग्रेस से तो कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम के अराउंड एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्राइक करते थे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और लोगों से बोलते थे कि हमें चीजों को बदलना है इंडिया में ठीक है आ, तो हाँ ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है इसके अलावा मार्क्सिस्ट ग्रुप्स की एक्टिविटी भी बढ़ गई थी मार्क्सिस्ट ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो कि कार्ल मार्क्स की टीचिंग्स के ऊपर विश्वास रखते हैं तो बेसिकली ये माहौल चल रहा था हमारे इंडिया में एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है गुजरात और बिहार में बहुत ही सीरियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ अभी एक एक करके गुजरात और बिहार के बारे में पढ़ेंगे पर उससे पहले मुझे जल्दी से बता दो क्या यहां तक सारे बच्चों को सुपर क्लियर है ठीक है तो कॉमन सेक्शन में जल्दी जल्दी फायर इमोजी भेज दो अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है इजी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हा चलो जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो फिर हम आगे बढ़ते हैं मनीषा बहुत बढ़िया अनवेशा वेरी गुड सुपर इजी लग रहा है अंकित इजी लग रहा है ठीक है बढ़िया और वी मैक्स हाँ सबको क्लियर है विकास को भी क्लियर है मैम मेरा नाम ले लो आकाश हाय ले लिया यार तुम्हारा नाम गर्ल्स गर्ल्स आपका नाम पायल है मुझे याद है ठीक है पायल हाय सुनो मैम सुन रही हूँ यार बोलो सुन रही हूँ शिवम गुड इवनिंग हैप्पी होली किसने बोला है कन्हैया तुम्हें भी हैप्पी होली यार मैम मज अच्छा मजा आ रहा है क्लास में बहुत ही बढ़िया आई एम न्यू गुनिका हाई चलो तो मुझे बहुत सारे फायर इमोजीज दिख रहे हैं गरिमा ने भी फायर इमोजी डाल दिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ठीक है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे पहले मतलब एक एक करके दोनों स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गुजरात में क्या मूवमेंट था और बिहार में क्या मूवमेंट था एंड एक और चीज ये चैप्टर तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी है ठीक है तुम्हें खुद भी पता होगा ये चैप्टर थोड़ा लंबा है ठीक है तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना क्लास भी हल्की सी लंबी चलेगी हम लोग गप्पे थोड़े से कम मारेंगे आज की क्लास में ठीक है हाँ जो भी ज्वाइन कर रहे हैं सबको हाई सुखविंदर आई एम हेलो अच्छा हाय ठीक है शौर्य आपका भी नाम ले लिया यार हाय शौर्य चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं तो याद रखना गुजरात एंड बिहार दोनों ही उस टाइम पे कांग्रेस स्टेट्स थे मतलब वहां पे कांग्रेस की चलती थी एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे वो उस टाइम पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुजरात से ये बात है जनवरी 1974 की जितने स्टूडेंट्स थे गुजरात में ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं क्या कारण था प्रोटेस्ट के बीच आ, क्या कारण था प्रोटेस्ट के लिए ठीक है प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था हम देखते हैं कि यहां पर फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे ठीक है कुकिंग ऑयल और जो भी एसेंशियल एसेंशियल कमोडिटीज मतलब ऐसी चीजें जो कि हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग थे जो कि करप्शन करते थे तो जो सारे बच्चे थे जो सारे स्टूडेंट्स थे ये लोग क्या करते हैं ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है ये लोग इस हद तक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है ठीक है यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी जो भी कांग्रेस के खिलाफ थी ये लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई हमें तो फ्रेश इलेक्शन चाहिए हमें नया इलेक्शन चाहिए इस दौरान यहाँ पे मोरारजी देसाई भी थे मोरारजी देसाई सबको याद है बहुत बार पढ़ा है हमने इनके बारे में ठीक है कांग्रेस ओ के लीडर थे और थे इंदिरा गांधी के राइवल भी थे एंड मोरारजी देसाई ने इस टाइम पर कहा कि अगर तुम लोग नए इलेक्शन नहीं कराते तो मैं खाना नहीं खाऊंगा ठीक है तो उन्होंने फास्ट करना स्टार्ट कर दिया इसी दौरान स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहे थे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था एंड 1975 में जून में गुजरात में गवर्नमेंट थक हार के नया इलेक्शन कराती है एंड इस इलेक्शन में हमारी कांग्रेस हार जाती है ठीक है 1975 गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है तो ये गुजरात की कहानी थी अब ऐसा ही कुछ बिहार में भी होता है तो ये बात है मार्च 1974 बिहार में भी जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं क्या कारण था ऑलमोस्ट सेम रीजन राइजिंग प्राइसेस दाम बढ़ रहे थे खाने की कमी पड़ रही थी बेरोजगारी और करप्शन कुछ टाइम के बाद यहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं ठीक है वैसे जयप्रकाश नारायण उस टाइम पे पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे पर लोग उनसे बोलना स्टार्ट करते हैं कि आप प्लीज इस मूवमेंट के लीडर बन जाओ तो जयप्रकाश नारायण दो कंडीशन देते हैं कि मैं इस मूवमेंट का लीडर तभी बनूंगा जब मेरी तुम लोग ये दो शर्तें मानोगे क्या थी ये दो कंडीशन पॉइंट वन जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस मूवमेंट में वायलेंस मारपीट कभी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए पूरे इंडिया तक पहुंचना चाहिए कुछ टाइम के बाद जब लोग हाँ बोल देते हैं तो जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट के लीडर बन जाते हैं नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण एक डिमांड रखते हैं कि हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट को बिहार में हटाना है ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्सर पूछ लिया जाता है कि वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोटल रेवोल्यूशन तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मुझे एक क्रांति चाहिए टोटल रेवोल्यूशन चाहिए जिसमें हम बिहार की सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस को पूरी तरीके से बदल देंगे इसी के चलते बिहार में बहुत सारे बंद होते हैं ठीक है मतलब स्ट्राइक्स होते हैं घेराव होते हैं घेराव समझते हो तुम लोग घेराव मतलब अगर आ, किसी मान लो किसी ऑफिस को या किसी बिल्डिंग को बहुत सारे लोग आसपास से घेर लें ताकि वहां के जो लोग हैं वो बाहर ना जा पाए तो हम उसे घेराव कहते हैं एक टाइप का स्ट्राइक होता है तो ये सारी चीजें होने लग जाती हैं बिहार में एंड लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि कांग्रेस को हटना चाहिए पर गवर्नमेंट गिव अप नहीं करती ठीक है नेक्स्ट क्या होता है जयप्रकाश नारायण बहुत दिल से चाहते थे कि ये जो स्ट्राइक है ये बिहार से भी बाहर निकले और भी स्टेट्स तक पहुंचे इसी टाइम के अराउंड मतलब इंडिया की इकोनॉमी तो अच्छी चल ही नहीं रही थी साथ ही साथ रेलवे में भी बहुत ही सीरियस एक स्ट्राइक चल रहा था तो मतलब कंट्री के लिए कांग्रेस के लिए पर्टिकुलरली बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं था नेक्स्ट 1975 सेवेंटी फाइव में जेपी जे का मतलब चैप्टर में जयप्रकाश नारायण ठीक है तो नाइनटीन uh, सेवनटी में जेपी क्या करते हैं ही लेड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियमेंट पार्लियामेंट तक ये पीपल्स मार्च करते हैं हमारे कैपिटल में बहुत कम ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिनमें इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था एंड अब जयप्रकाश नारायण जब ये पीपुल्स स्ट्राइक कर रहे थे पीपुल्स मार्च कर रहे थे तब बहुत सारी पार्टीज ने उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट करा बेसिकली जो भी पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ थी उन्होंने जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट करना स्टार्ट करा जैसे कि भारतीय जनसंघ कांग्रेस ओ भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी ये सारी पार्टीज ठीक है धीरे धीरे पता है ये लोग लोगों के दिमाग में एक आइडिया डाल देते हैं कि इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी का ऑल्टरनेटिव पता है कौन है अगर हम इंदिरा गांधी को हटाते हैं तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पता है कौन बनना चाहिए जयप्रकाश नारायण मतलब ऐसी चीजें ये लोग लोगों के दिमाग में डालना स्टार्ट कर देते हैं कि इंदिरा गांधी जी का ऑल्टरनेटिव मिल गया वो जयप्रकाश नारायण है पर ऐसे भी बहुत लोग थे जो इंदिरा गांधी को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे और जो जयप्रकाश नारायण के मतलब पूरे सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे थे ठीक है तो उस क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो यहां तक क्लियर है क्या सबको पांडा नमस्ते कल तुमने शाउट आउट मांगा था ना मैंने दे दिया इंस्टाग्राम पे शाउट आउट ठीक है हाँ चलो बताओ यहां तक क्लियर है सबको फायर इमोजी डाल दो लवकेश हाय नाम ले लिया मैंने और हाँ नोट्स का यार मैं बताती हूँ तुम्हें क्या सीन रहेगा नोट्स का मैं बताती हूं तुम्हें ओके अन्वेषा क्लियर है हाँ वाइट पांडा नमस्ते अंकित क्लियर है और गरिमा वी मैक्स ठीक है आ ओके पायल योगेश ठीक है आई थिंक बहुत सारे फायर मूवीज दिख रहे हैं एफ एस घूमन हाई ठीक है तो आगे बढ़ते हैं टेक गेमर क्लियर है अदित्या हाई ओके हमें भी दे दो कभी शाउट आउट अच्छा अजय तुम्हें भी दे दूंगी शाउटआउट हाय ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यार मदीहा को भी क्लियर है बढ़िया आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म सुनते हैं ओके तो हाँ क्या क्रिटिसिज्म था बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मानते थे अगेन जो पिछले चैप्टर में पढ़ा तुमने कि जो जयप्रकाश नारायण है या ये जो भी पार्टीज हैं जो इंदिरा गांधी के खिलाफ हैं इनके पास ना कोई एजेंडा नहीं है इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके पास कोई मकसद नहीं है इंडिया के लिए ये लोग सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं इसीलिए ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं ठीक है तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे इनको कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कंट्री के लिए ये लोग सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ है इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट कंफ्लिक्ट विद जुडिशरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में तुम्हें बेसिकली बताया जा रहा है कि उस टाइम पर आ, कैसे जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही थी तो ये टॉपिक तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि बीच में क्या होता है जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट right हुआ करता था फिर क्या हुआ हमारी जो गवर्नमेंट है उसे फंडामेंटल राइट right से हटा देती है और बीच में हटाने की कोशिश भी करती है तो उस टाइम के अराउंड हमारी सुप्रीम कोर्ट ये बोलना स्टार्ट करती है कि पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती इसके चलते गवर्नमेंट और पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब गवर्नमेंट के बीच में गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है ठीक है तो पॉइंट वन ये दिक्कत थी आ, बाद में खैर केशवानंदा भारती केस होता है सबको याद है केशवानंदा भारती केस इस केस में फाइनली बोल दिया जाता है कि हमारे संविधान में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिसको कोई नहीं बदल सकता एंड उसके बाद इस इस ये जो भी चल रहा था इस को निपटा दिया जाता है नेक्स्ट और क्या दिक्कत आती है बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वेकेंसी आती है हमारे इंडिया में ठीक है तो नॉर्मली ना हमारे इंडिया में एक कन्वेंशन होता है जब हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुन रहे होते हैं तो कन्वेंशन का क्या मतलब है संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ ये सारी चीजें पर हम ये चीज इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारी आदत में पड़ गया तो क्या कन्वेंशन है कि जब भी हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनना होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होते हैं ना हम उनको चुन लेते हैं बाई डिफॉल्ट ठीक है पर इस टाइम के अराउंड इंदिरा गांधी या फिर गवर्नमेंट की बन नहीं रही थी जुडिशरी के साथ तो इंटरेस्टिंगली 1973 में क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में तीन सीनियर जज थे पर उन तीनों सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया जाता बल्कि जस्टिस ए एन रे को बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इंटरेस्टिंगली ये जो तीन सीनियर जज थे ना ये तीनों ऐसे जजेस थे जिन्होंने इंदिरा गांधी या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कुछ बोल रखा था ठीक है तो यहां पर अगेन जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है नेक्स्ट पता है इस कन्फ्लिक्ट का क्लाइमैक्स क्या था अभी तुम पढ़ोगे वैसे तो इन डिटेल पर बीच में क्या होता है अलाहाबाद हाईकोर्ट में एक डिक्लेरेशन uh, बोल दिया जाता है अलाहाबाद हाईकोर्ट के लोग बोल देते हैं कि इंदिरा गांधी का तो पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर ही इनवैलिड है फिर से इलेक्शन कराओ इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है वो इनवैलिड है ठीक है तो ऐसे इन तीन मैटर्स को लेकर जुडिशरी और गवर्नमेंट की आपस में बन नहीं रही थी ठीक है तो ये माहौल चल रहा था नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेक्लेन ऑफ इमरजेंसी इस टॉपिक में फाइनली हमारी इंदिरा गांधी जी एमरजेंसी डिक्लेयर करवा देती हैं ठीक है थीके, तो वो उस टाइम पर क्या कंडीशंस चल रहे थे ये हम इस टॉपिक में समझेंगे आगे बढ़ने से पहले मुझे बता दो यहां तक सबको क्लियर है क्या फायर मुझे डाल दो जल्दी जल्दी कॉमेंट सेक्शन में भाग्यरथी गुड इवनिंग कैसे हो आप और <coughs> रमेश हैप्पी होली आपको भी पद्माश्री गुड इवनिंग आप बिग फैन हाय मैम नाम ले लो नाम तो है ही नहीं अच्छा क्रिश क्रिश हाय कैसे हो आप मनीषा क्लियर अन्वेषा क्लियर बहुत ही बढ़िया नैतिक uh, यार थैंक यू सो मच कितने तो प्यारी प्यारी चीजें बोलते हो तुम लोग थैंक यू सो मच ठीक है लेवंथ क्लास के भी बच्चे हैं यहां पर ठीक है चिल तो आकाश अन्वेषा गरिमा फातिमा दीपांशु हाँ वी मैक्स ठीक है सबको क्लियर है आगे बढ़े सिमरन गौरिश सबको हाय, नितिन हैप्पी होली समीर हाय, ठीक है गेमिंग ए के क्लियर है हाँ, आगे बढ़ते हैं ये किसने लिखा मेरा नाम ले लो आ, यार मुझे दिखा तो था बीच में कमेंट मेरा नाम ले लो अब मुझे तुम्हारा कमेंट दिख नहीं रहा है जो भी था आई एम सो सॉरी आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कवर करते हैं ठीक है तो अब ये बात है ट्वेल्थ जून 1975 की थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें समझाया ये टॉपिक अब इन डिटेल समझते हैं तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो कि अलाहाबाद हाईकोर्ट में थे उन्होंने एक जजमेंट पास करा और कहा कि इंदिरा गांधी जी का जो पूरा इलेक्शन है वो इनवैलिड है ऐसा क्यों बोला उन्होंने क्योंकि एक पिटिशन फाइल करा था राज नरेन नाम के एक सोशल सोशलिस्ट लीडर ने एंड इस पिटिशन में इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन के टाइम पर एक गलती करी थी उन्होंने क्या करा उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के सर्विसेज को यूज करा इलेक्शन कैंपेन में ये करना अलाउड नहीं होता रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती कैंपेनिंग के दौरान तो एक पेटिशन फाइल होता है कि इंदिरा गांधी ने ये करा था अपने इलेक्शन के टाइम पर इसके चलते अलाहाबाद हाईकोर्ट में ये बोल दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इंदिरा गांधी का तो पूरा इलेक्शन ही इनवैलिड है ठीक है पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें प्रोसीजर क्या होता है अगर कल को बोल दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इनवैलिड है तो उसमें प्रोसीजर क्या होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो इंदिरा गांधी है वो एमपी नहीं है ठीक है अगर उनका इलेक्शन इनवैलिड है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती अनलेस वो क्या करें छह महीने के अंदर अंदर फिर से अपने आप को एज एन एम इलेक्ट कर ले वरना उन्हें हटना पड़ेगा ठीक है पर क्या होता है जून ट्वेंटी फोर की बात है जून ट्वेंटी फोर को सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ने जो जो डिसीजन डिसीजन लिया है 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 हम हम इसके ऊपर स्टे स्टे डाल डाल रहे रहे हैं हैं ठीक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हम इसे स्टे पे डाल रहे हैं, अभी होल्ड पर डाल रहे हैं ठीक है तो ये सिनारियो उस टाइम पर चल रहा था बेसिकली मैं तुम्हें एक आइडिया दिला रही हूँ कि जुडिशियरी और गवर्नमेंट की उस टाइम पे नहीं बन रही थी ठीक है नेक्स्ट क्या होता है इस दौरान जो जयप्रकाश नारायण है वो बार बार ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इंदिरा गांधी को रिजाइन कर लेना चाहिए इसी के चलते वो एक बहुत मैसिव स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला ग्राउंड्स में ठीक है ये ट्वेंटी फिफ्थ जून 1975 की बात है मतलब एक और बहुत ह्यूज स्केल पे एक स्ट्राइक हो रहा था इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए इस मामले को लेकर नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण और क्या कहते हैं वो नेशन वाइड सत्याग्रह अनाउंस करते हैं वो आर्मी और पुलिस को बोलना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें इंदिरा गांधी की तो बात माननी ही नहीं चाहिए अगर तुम्हें ऐसा लगे कल को इंदिरा गांधी कोई ऐसा ऑर्डर दे रही है जो कि गलत है तो तुम उसे फॉलो मत करो ठीक है तो काफी टाइम तक गवर्नमेंट चुप रहती है कुछ टाइम के बाद हमारी गवर्नमेंट क्या करती है एमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है ठीक है तो अब तुम्हें आ रहा है समझ कि क्या माहौल था या क्या कारण था जिसके वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा तो ये सारा माहौल था ये सारी हिस्ट्री थी जिसके वजह से फाइनली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है तो ये बात है ट्वेंटी फिफ्थ जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड कारण क्या बोला जाता है कि क्या रीजन है हम बोलते हैं थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ठीक है कि कंट्री के अंदर ही इंटरनल कुछ डिस्टर्बेंसेज हैं जिसके वजह से हम लोग इमरजेंसी लगा रहे हैं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 को यूज करके इमरजेंसी लगा दिया जाता है ठीक है तो हाँ ये सारा इसमें भी यही बता रखा है तो ये सारी कंडीशंस थी जिसके चलते इंदिरा गांधी जी सोचती हैं कि इमरजेंसी लगाना चाहिए अब इमरजेंसी जब लगता है तब क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट की जितनी पावर्स होती हैं वो सारी पावर्स हट जाती हैं। बेसिकली ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पावर आ जाती है इमरजेंसी के टाइम पे ठीक है नेक्स्ट इमरजेंसी के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट right को भी लिमिट कर सकती है ठीक है फंडामेंटल राइट को भी लिमिट कर दिया जाता है ठीक है तो वैसे तो देखा जाए टेक्निकली ठीक है टेक्निकली हमारी जो गवर्नमेंट uh, है गवर्नमेंट ने कुछ गलत नहीं करा ठीक है टेक्निकली गवर्नमेंट को ये सब करना अलाउड है पर इमरजेंसी हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में यूज करी जाती है ठीक है फालतू में इमरजेंसी नहीं इम्पोज करी जाती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है ठीक है पर हां इन सारे रीजन के चलते इमरजेंसी को हमारी इंदिरा गांधी जी डिक्लेयर करती हैं अब थोड़ा सा और समझते हैं कि एक्जैक्टली exactly इमरजेंसी को कैसे डिक्लेयर करा जाता है तो हमारी प्राइम मिनिस्टर क्या करती हैं ये रात की बात है ट्वेंटी फिफ्थ जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव रात को आ, हमारी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे फारूकुद्दीन अली अहमद उनसे जाकर बात करती है और उनसे बोलती है कि आप इमीडिएटली अभी के अभी इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दो ठीक है तो इस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है नॉर्मली क्या होता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट से बात करनी चाहिए पर इंटरेस्टिंगली इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट से बात करी और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको अगले दिन सुबह पता लगा ठीक है अगले दिन सुबह सुबह एक मीटिंग रखी थी सुबह छह बजे के अराउंड एंड उनसे बोला कि भाई हम लोग इमरजेंसी लगा चुके हैं बस तुम्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इमरजेंसी लगाने का थोड़ा तरीका भी गलत था ठीक है तो रात को इमरजेंसी लग गई मिडनाइट के अराउंड क्या होता है जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर पेपर ऑफिस थे उनके वहां बिजली को काट दिया जाता है ताकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ गलत पब्लिश ना कर पाए ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे आ, इंडिया में उस टाइम पर चल रही थी तो हाँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले मुझे तुम लोग जल्दी से बता दो यहां तक सबको क्लियर है क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सिक्वेंसेज है कॉन्सिक्वेंसिस में तुम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम लोग बेसिकली समझोगे कि इमरजेंसी में क्या क्या हो रहा था ठीक है हाँ चलो तो अगर क्लियर है जल्दी जल्दी फायर इमोजी डाल दो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दीदी मैम आपको स्टोरी पर डोरेमोन कैसा लगा हाँ तुमने डोरेमोन के नीचे दीदी -दी भी लिखा हुआ था ना मुझे बहुत प्यारा लगा वो ठीक है अनुषा दीदी पढ़ाए तो सब क्लियर हो जाता है अन्वेषा थैंक यू सो मच ठीक है और अंकित क्लियर है मनीषा क्लियर है हाँ दि ओपी आई एम फ्रॉम क्लास टेंथ वॉट डू यू थिंक अबाउट दि ग्रासर यार मैं भी यही सोचती हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया टीचर है ओके खुशी क्लियर है अंकित क्लियर है नैतिक क्लियर वी मैक्स मैम आपकी आईडी क्या है मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ पेन कहाँ चल रही है ठीक है तो इट इज अनुष्या डॉट के हाँ. और मंजीत इंदिरा ठीक है आई थिंक सबको क्लियर है मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करवाओगे बेटा अभी हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है है ना तो अभी हमें सिलेबस कंप्लीट करने दो पहले उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो अभी चार पांच दिन में पॉलिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग ऐसे ही वन शॉट वन शॉट करके आ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे टेंशन नहीं लेना ठीक है, शुभम हाय, ओके आगे बढ़ते हैं अन्वेषा थैंक यू सो मच ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं ठीक है तो जैसे ही इमरजेंसी लगती है अब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो जितने स्ट्राइक्स चल रहे थे उन सारे स्ट्राइक्स को बैन कर दिया जाता है ऑपोजिशन Opposition के जो भी leaders थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे उनको जेल में डाल दिया जाता है ठीक है तो सब कुछ मतलब एकदम एकदम शांत हो जाता है सारे स्ट्राइक्स हर एक चीज को बंद करा दिया जाता है इसके अलावा प्रेस सेंसरशिप लगा दी जाती है प्रेस सेंसरशिप का बेसिकली क्या मतलब है आज के टाइम पे न्यूज़पेपर को कुछ छापना होता है अखबार पे तो वो छाप देते हैं है ना प्रेस सेंसरशिप का मतलब है कि अगर किसी न्यूज़पेपर कंपनी को अपने न्यूज़पेपर में कुछ छापना है तो पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी इसे हम प्रेस सेंसरशिप कहते हैं तो बेसिकली प्रेस सेंसरशिप इसीलिए लगाया गया था ताकि कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ ना बोले नेक्स्ट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन uh, को भी बैन कर दिया जाता है जैसे कि आर राष्ट्रीय स्वयं संघ ठीक है जमात ए इस्लामी को भी बैन कर दिया जाता है पब्लिक एरियाज़ में स्ट्राइक करना प्रोटेस्ट करना इन सारी चीजों को बैन कर दिया जाता है इसके अलावा आ, मैंने आपको यह बताया इमरजेंसी के दौरान सिटीजन के फंडामेंटल राइट को भी छीन लिया जाता है तो ये सारी चीजें चल रही थी हमारे इमरजेंसी के दौरान नेक्स्ट और क्या दिक्कत चल रही थी इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है तो आ,

तो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेल में डाल दिया जाता है आ, उनके फैमिली के लोग कोर्ट में केस करते हैं ये बोलते हैं कि हमें बताओ तो सही क्यों अरेस्ट किया जा रहा है पर उनकी नहीं सुनी जाती तो लोगों का ना जुडिशियरी के ऊपर से भी विश्वास हट जाता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इतना ज्यादा चल रहा है कि कोर्ट भी हमारी मदद नहीं कर रही है ठीक है तो ये सारी चीजें प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड चल रही थी तो ये जो जजमेंट था जुडिशरी का कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़िया है हम सिटीजन की ज्यादा मदद नहीं कर सकते इस जजमेंट को आज के टाइम पर भी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट कहा जाता है ठीक है एंड सिटीजेंस का सही में फेथ हट जाता है जुडिशरी के ऊपर से ठीक है नेक्स्ट क्या था बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इमरजेंसी के टाइम पर भी रिस्क लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे तो जब लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट करा ना बहुत सारे लीडर्स अंडरग्राउंड चले गए अंडरग्राउंड चले गए मतलब छुप गए ठीक है और छुप छुप कर वो लोग प्रोटेस्ट और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे ठीक है एंड कुछ न्यूजपेपर कंपनीज थी जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस ठीक है और स्टेट्समैन इन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया था प्रोटेस्ट करने का ये लोग अपने न्यूज़पेपर में मान लो इन्हें इंदिरा गांधी की बुराई करनी है पर कर नहीं सकते क्योंकि सेंसरशिप चल रहा है तो ये लोग अपने न्यूज में ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे तो जो भी सिटीजन पढ़ रहा होता था उसके दिमाग में खुद आ जा, आ जाता जाता था कि अच्छा इन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखना था पर ये लिख नहीं पा रहे कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट कह देती है कि ब्लैंक स्पेस छोड़ना भी अलाउड नहीं है ठीक है इस दौरान जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे वो कुछ कुछ लिखते थे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ टाइम के बाद उनको भी अरेस्ट कर लिया गया ठीक है बहुत सारी मैगजीन कंपनीज थी जैसे कि सेमिनार ठीक है मेन स्ट्रीम इन्होंने अपनी कंपनी ही बंद कर दी इन्होंने कहा कि ऐसे क्या ऐसे क्या सेंसरशिप में काम करना इन्होंने मतलब एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में अपनी कंपनी को ही बंद कर दिया उस टाइम पर एक कन्नड़ राइटर थे ठीक है शिवरामा कारंत ये क्या करते हैं इनके पास पद्म भूषण था पर ये अपने अवार्ड को वापस कर देते हैं नाथ रेणु ये एक हिंदी राइटर थे ये भी अपने पद्मश्री को वापस लौटा देते हैं तो ये भी एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट के खिलाफ पर हाँ ओवरऑल ऐसे सिचुएशंस बहुत रेयर थे ठीक है लोग गवर्नमेंट से डरते थे ऐसा बहुत कम होता था कि लोग ओपनली गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दें ठीक है नेक्स्ट अब हमारी जो गवर्नमेंट है ना क्योंकि एमरजेंसी चल रहा है तो ये लोग क्या करते हैं संविधान में बहुत सारे बदलाव लाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो तुम्हें याद है अलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था इसी के चलते इंदिरा गांधी जी संविधान में एक चीज लिखवाती है कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कोर्ट कुछ नहीं कह सकता ठीक है नेक्स्ट इंदिरा गांधी जी संविधान को बहुत ज्यादा अमेंड करती है एक अमेंडमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फोर्टी अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में संविधान को इतना ज्यादा बदला जाता है कि अक्सर फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मतलब एक छोटा सा संविधान ही बन गया था इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे एक और बहुत ही फेमस सा अमेंडमेंट जो कि इंदिरा गांधी जी कराती हैं वो ये था कि उन्होंने लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन बढ़ा दिया था लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन पांच साल होता है उन्होंने पांच की जगह छह साल करा दिया था ड्यूरेशन और जब इमरजेंसी लगती है ना तब एक साल और हम बढ़ा सकते हैं ड्यूरेशन को जैसे अगर इलेक्शन होने वाला है अगले साल तो हम एक साल और पोस्टपोन करा सकते हैं इलेक्शन को तो इसी के चलते क्या था जो इलेक्शन 1976 में होना चाहिए था ठीक है पहले 1971 में हुआ उसके बाद पांच साल बाद 1976 में इलेक्शन होना चाहिए था पर कब हुआ वो अगला इलेक्शन 1978 में हुआ क्योंकि उसे पोस्टपोन करा दिया जाता है क्लियर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉट दी इमरजेंसी इमरजेंसी लग तो जाता है पर क्या हमें सही में इमरजेंसी की जरूरत थी ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ओके okay, चलो आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है क्या सबको अगर क्लियर है तो तुम्हें पता है क्या करना है कमेंट सेक्शन को भर दो फायर इमोजी डाल दो ओके okay, क्लियर है ये सारी चीजें लिख दो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आशु हाईट ऑल क्लियर मनीषा अन्वेशा दीपिका हेलो मैम मेरे भाई को टेंथ क्लास का समझा डिसे हाँ मैं सम, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं समझा दूंगी उससे बोलो रीच आउट करेगा मैं समझा दूंगी उसे वैसे इस चैनल पर दिग्रास सर आपको क्लास टेंथ का सब कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप उनके क्लासेस से भी क्लियर कर सकते हो मनीषा अन्वेषा वी मैक्स ओके हाय मैम मैं लवीश याद आया कल आया था हाँ मुझे याद है तुम स्पेशली अपना नाम चेंज करके आए थे ना क्लास में ताकि मैं नाम ले पाऊं बिल्कुल याद है मुझे ठीक है जैसे पायल ने अपना नाम याद करवाया ना बहुत मेहनत कर करके तो ऐसे तुम भी थोड़ा स्ट्रगल करो मुझे तुम्हारा नाम भी याद हो जाएगा ठीक है मदीहा क्लियर है फातिमा नैतिक सबको क्लियर है श्रुति हाई राजकुमार क्लियर है नाम बहुत बढ़िया यार तुम्हारा अब्दुल क्लियर है बहुत बढ़िया इंदिरा को भी क्लियर है और शुभम हेलो, आशीष हेलो, ठीक है दीपिका हाई ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है दी इमरजेंसी नेसेसरी समझते हैं कि क्या इमरजेंसी लगाना सही में इंपॉर्टेंट था नेसेसरी था ये समझते हैं ठीक है तो बेसिकली इमरजेंसी क्यों लगाया गया था क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस था इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स चल रहे थे तो हमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है इतना सा कारण काफी है क्या इमरजेंसी लगाने के लिए अब डिपेंड करता है तुम ये चीज किससे पूछो कांग्रेस के सपोर्टर से पूछोगे वो कहेंगे कि हाँ इतना रीजन काफी था इमरजेंसी के लिए ऑपोजिशन पार्टी से पूछो तो वो कहेंगे कि नहीं ये रीजन काफी नहीं था तो दोनों के नजरिए को समझते हैं ठीक है तो जो कांग्रेस के सपोर्टर्स है ना उनका ये मानना था कि देखो वैसे तो प्रोटेस्ट करना जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेसी में लोगों का हक होता है पर एक हद तक प्रोटेस्ट करो ना ऐसा भी नहीं कि तुम हर रोज कोई स्ट्राइक कर रहे हो नेशन बंद कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी बेचारी काम ही ना कर पाए ठीक है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इस दौरान इतने स्ट्राइक्स इतना क्रिटिसिज्म चल रहा था कि रूलिंग पार्टी बेचारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं कर पा रही थी रूलिंग पार्टी का सारा ध्यान तो इस पे जा रहा था कि स्ट्राइक कैसे बंद कराए तो वो लोग बेचारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कैसे करेंगे तो काफी सारे लोग कहते हैं कि इसके चलते इमरजेंसी लगाना सही था जैसे कि सीपीआई पार्टी जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस को सपोर्ट करती है कि हाँ कांग्रेस का तो इमरजेंसी लगाना बनता है पर इंटरेस्टिंगली कुछ टाइम के बाद ना सीपीआई जो बोलती है, वो उस से मुकर जाती है। तो इस तरीके से लोगों के विचार थे कि इंदिरा गांधी को बहुत परेशान करा जा रहा था उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं उन्हें एमरजेंसी लगाना पड़ा ठीक है नेक्स्ट जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे वो क्या बोलते थे ठीक है तो उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास हक होता है क्रिटिसाइज करने का अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम क्रिटिसाइज करेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम एमरजेंसी डिक्लेयर कर दोगे इस दौरान ज्यादातर जो स्ट्राइक्स हुए थे वो नॉन वायलेंट थे उसमें मारपीट नहीं थी एंड इसके चलते फिर भी फालतू में एमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है ठीक है एंड लोगों का ये भी कहना है कि अगर इंदिरा गांधी को लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्राइक हो रहा है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिना इमरजेंसी लगाए हुए भी गवर्नमेंट के पास काफी सारे पावर्स होते हैं लोगों को चुप कराने के उन पावर्स को यूज कर लेना चाहिए था इंदिरा गांधी को इमरजेंसी तो एक्सट्रीम केस में लगाई जाती है इमरजेंसी को क्यों यूज किया गया ये लोगों का मानना था तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने पावर्स को मिस करा ठीक है पर्सनल रीजन के लिए अपने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो पावर थे उन पावर्स को मिसयूज करा ठीक है तो ये इमरजेंसी को लेकर लोगों के विचार है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉट हैपेंड ड्यूरिंग एमरजेंसी एमरजेंसी के दौरान हमारी इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या करा वो पढ़ते हैं ठीक है तो जैसे ही इमरजेंसी लगा दी जाती है इंदिरा गांधी सारे स्ट्राइक सारे प्रोटेस्ट को चुप करा देती हैं है, है ना और इंदिरा गांधी जी क्या कहती हैं कि इमरजेंसी क्यों लगाई जा रही है ताकि कंट्री में फिर से नॉर्मल सिचुएशन एफिशिएंसी को वो ला पाए इसी के चलते इंदिरा गांधी जी एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आती हैं इमरजेंसी के दौरान पहले 10 पॉइंट लेकर आई थी अब 20 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई थी जिससे ये गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती थी इस 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या था लैंड रिफॉर्म्स ठीक है आ, जमीन का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल वेजेस ठीक है एग्रीकल्चर में जो पैसे मिलते हैं सैलरी मिलते हैं उसका रिव्यू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ठीक है बॉन्डेड लेबर के सिस्टम को हटाना मतलब बहुत सारी चीजें गरीब लोगों की मदद करने के लिए इस ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम में थी ठीक है तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब इमरजेंसी लगी थी ना तब लोग खुश थे मिडिल क्लास के लोग खुश थे कि चलो यार इमरजेंसी लगने से ये स्ट्राइक वाइक प्रोटेस्ट ये सारी चीजें तो बंद हुई कंट्री में फिर से शांति आ गई और गरीब लोग भी खुश थे गरीब लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई हैं तो अगर इमरजेंसी भी लग जाती है कोई बात नहीं गरीबों के लिए गवर्नमेंट काम करना स्टार्ट कर देगी तो सोसाइटी में अलग अलग लोगों को गरीब लोगों को गांव के लोगों को मिडिल क्लास के लोगों को इन सब को अलग अलग उम्मीदें थी इंदिरा गांधी से इमरजेंसी के दौरान ठीक है तो काफी लोग खुश भी थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में खुश थे कि चलो यार इमरजेंसी लग गई अब थोड़ी शांति मिलेगी ठीक है पर जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे जो इमरजेंसी के क्रिटिक्स थे वो पता है क्या कहते हैं कि इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी पॉइंट प्रोग्राम को लेके तो आई पर उससे कुछ फायदा नहीं निकला ठीक है गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इमरजेंसी लेकर आ रहे हैं पर इमरजेंसी लगाने के बाद भी इन्होंने कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई और गरीबों के लिए कुछ नहीं करा इस टाइम के दौरान नेक्स्ट इस तो टाइम अरेस्ट को, को कर लिया जाता है बहुत बड़ा नंबर है इतने सारे लीडर्स को हमारी इंदिरा गांधी जी अरेस्ट करा देती है नेक्स्ट इस दौरान शाह अच्छा बाद में ना शाह कमीशन बनाई जाती है शाह कमीशन बेसिकली एक कमीशन थी जिसको हमने काम दिया था कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करके बताओ कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने क्या क्या गलतियां करी ठीक है तो शाह कमीशन एक अंदाजा लगाती है कि इस दौरान नियरली पीपल वर अरेस्टेड प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर एक लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है जो कि मतलब देखा जाए तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और क्या होता है देखो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो कंट्री में पावर को यूज करना ना वो गवर्नमेंट के लोग ही कर सकते हैं है ना जो काम प्राइम मिनिस्टर का वो प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है कोई और नहीं कर सकता जो काम किसी आईएएस का है वो आईएएस ही कर सकता है है ना उसका बेटा बेटी या वाइफ या मदर फादर वो कोई नहीं कर सकता आईएएस को ही करना होता है पर इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे वो पावर्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं और उस टाइम उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी वो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जो कि गलत है ठीक है तो ये सारी चीजें उस टाइम पर चल रही थी नेक्स्ट क्या था टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ जब लोगों को अरेस्ट करते थे उन लोगों को टॉर्चर भी करा जाता था काफी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी नेक्स्ट uh, इस टाइम पर जो गरीब लोग है ना उनको रीलोकेट कर दिया जाता था जो स्लम्स होते थे अचानक से स्लम एरिया के सारे लोगों को रीलोकेट कर दिया जाता था ठीक है तो ये सारी चीजें चल रही थी अच्छा इंदिरा गांधी को बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल का जोश चढ़ता है जिसके चलते वो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन करा देती है बहुत सारे लोगों का जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करा देती है आप, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में ठीक है तो ये सारी चीजें हमारे इमरजेंसी के दौरान चल रही थी एक और टॉपिक कवर करते हैं फिर मैं तुम लोगों से बात करती हूँ फिर हम लोग चैट सेक्शन देखते हैं एक और टॉपिक उससे पहले कवर करते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफ द इमरजेंसी अभी तुमने देखा इमरजेंसी में क्या तो बेकार चीजें चल रही थी है ना तो कुछ तो सीखने को भी मिला होगा ना इमरजेंसी से है ना हम अपने इंडिया की इतने बेकार टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं कुछ तो हमें सीखने को मिला होगा इस टाइम पीरियड से तो व्हाट वर द लेसन्स कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट ठीक है तो इमरजेंसी से हम क्या क्या लेसन क्या क्या सीख हमें मिली वो डिस्कस करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना हिस्ट्री पढ़ते ही इसलिए है पॉलिटी में हिस्टोरिकल चीजें पढ़ते ही इसलिए है ताकि हमें मतलब कुछ सीख मिले लेसन मिले तो क्या सीख मिली जब एमरजेंसी को हटाते हैं ना हम तो बहुत जल्दी इंडिया में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाता है ठीक है तो इससे एक चीज हमें ये सीखने को मिली कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी को फिर से लाना डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना बहुत आसान है ठीक है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर डेमोक्रेसी को हटाना बहुत मुश्किल है जो कि बढ़िया बात है हमने इतने बढ़िया तरीके से अपने डेमोक्रेसी को बिल्ड करा कि कल को अगर इमरजेंसी भी लग जाए या कोई मतलब जबरदस्ती डेमोक्रेसी को हटाने की भी कोशिश करे तो वो इंडिया में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ठीक है नेक्स्ट और क्या सीखने को मिला हमें इमरजेंसी के दौरान हमें पता चला कि हमारे संविधान में कुछ गलतियां हैं जो कि हमें सुधार लेनी चाहिए हमने सुधार भी ली हैं जैसे इंदिरा गांधी जी क्या कहती हैं इंटरनल डिस्टरबेंस है क्या के इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं है ना तो कल को ऐसा हो सकता है क्या कल को अगर हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो मोदी जी क्या पूरे इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे तो हमने संविधान को बदला और बोला कि इंटरनल इमरजेंसी तुम तब करो जब आर्म्ड रेबेलियन हो जब लोग हथियार वथियार उठा ले वायलेंस करे मारपीट करें तब बोलो कि ये इंटरनल डिस्टरबेंस है ठीक है छोटे से छोटे स्ट्राइक को हम इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं बोलते हैं नेक्स्ट तुम्हें याद है इंदिरा गांधी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं पूछा था सीधा जाके प्रेसिडेंट से बोल दिया था कि इमरजेंसी लगा दो तो हमने ये चीज भी बदली हमने कहा कि रिटर्न में ठीक है रिटर्न में ये बात होनी चाहिए कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म रखना है ऐसे नहीं कि तुमने प्रेसिडेंट से जाके बात करी और आधी रात में तुमने इमरजेंसी लगा दिया ठीक है नेक्स्ट और क्या सीखने को मिला हमें इमरजेंसी से तुमने देखा होगा जब हमारे पास कोई चीज नहीं रहती तब हमें उस चीज की कीमत पता लगती है है ना तो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो लोगों को अचानक से समझ आया कि सिविल लिबर्टीज फंडामेंटल राइट्स ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो एक और टॉपिक फिनिश हो गया पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी डिस्कस करते हैं इमरजेंसी लगने के बाद हमारे इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वो डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर यहां तक सबको क्लियर है जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो हाँ आशीष कुमार हेलो दिवजोत हाई हेलो दी हैप्पी होली एंड हैप्पी वीमेन्स डे वीमेन लाइक यू इज एन इंस्पिरेशन टू अस एंड द वर्ल्ड आपके जैसा बनना अरे यार कितनी तो प्यारी बातें करते हो तुम लोग थैंक यू सो मच यू रियली मेड माय डे ठीक है दिवजोत थैंक यू सो मच हाँ राज क्लियर है मनीषा क्लियर है वीमैक्स अन्वेशा फातिमा पीयूष यार ऐसे भूलना नहीं है सब कुछ बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं इतनी जल्दी भूल जाओगे कैसे चलेगा हम्म इंदिरा और पायल हाई अच्छा पायल को हाई तो मैं बोल चुकी हूँ ठीक है पॉलिटी चल रहा है यार आशीष पॉलिटिकल साइंस सोना हाई ठीक है मैम मैं अभी टेंथ में हूं समझ नहीं आता कौन सी स्ट्रीम लू इटाची अच्छा इटाची नहीं है ओके इताची नारूटो का एक कैरेक्टर है तो मैं खुश हो गई थी आ, यार हम लोग ऐसे सेशंस रखेंगे जिसमें हम क्लास के बच्चों को गाइड करेंगे कि तुम्हारे लिए बेस्ट कौन सा स्ट्रीम रहेगा साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज इन सारे स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग डिस्कशन रखेंगे टेंशन नहीं लेना ओके हाँ वैसे मेरा नाम साजिद नहीं जीफान है तो जीफान रखो ना यार नाम एनी anyway, हाई ठीक है ओके आर्यन हाय शुभम अवनीश हेलो, ठीक है सबको हाय एंड आई थिंक सबको क्लियर है यहां तक तो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी इमरजेंसी के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वो समझते हैं ठीक है तो नेक्स्ट इलेक्शन ना हमारा नाइनटीन सेवन का इलेक्शन होने वाला था और 1977 का इलेक्शन ना इमरजेंसी के लिए एक रेफेंडम था रेफेंडम समझते हो तुम लोग मतलब इस तरीके से समझो कि 1977 का इलेक्शन पता है कैसे हो रहा था जिन लोगों को इमरजेंसी सही लगी उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया जिन लोगों को इमरजेंसी सही नहीं लगी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो इमरजेंसी के बेसिस पे वोटिंग चल रही थी 1977 में ऑपोजिशन पार्टी ने इसका भरपूर फायदा उठाया एंड उन लोगों ने ऑपोजिशन पार्टी ने इस दौरान एक स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस ने तो डेमोक्रेसी ही हटा दी थी इमरजेंसी में अगर तुम हमें वोट दोगे को वोट दोगे, तो हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे ठीक है? तो ये इनका मतलब मेन स्लोगन था। चलो अब इन डिटेल डिस्कस करते हैं 1977 के लोकसभा इलेक्शन को ठीक है तो जनवरी 1977 में ये इलेक्शन हुआ था इमरजेंसी लगने के 18 मंथ्स बाद ठीक है इस दौरान एटीन मंथ्स मतलब इमरजेंसी जब खत्म हुई उसके बाद लीडर्स तो, मतलब, uh, इस टाइम के अराउंड क्या होता है जो भी पार्टीज कांग्रेस के खिलाफ थी जो भी ऑपोजिशन पार्टीज थी कांग्रेस के खिलाफ वो लोग साथ में मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं और इस नई पार्टी का नाम था जनता पार्टी ठीक है और जनता पार्टी के लीडर हमारे अफकोर्स कौन थे जयप्रकाश नारायण थे ठीक है अब जो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी ना उनमें बहुत सारे लोग थे जो इमरजेंसी से खुश नहीं थे तो वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और वो भी बाद में जाके जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं ठीक है तो लेटर ये जो अलग कांग्रेस से जो कुछ लोग निकल कर आए थे उन लोगों के लीडर जगजीवन राम थे वो भी क्या करते हैं जयप्रकाश नारायण के जनता पार्टी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं इनका मेन फोकस क्या था जब ये लोग कैंपेन करते थे तो ये लोग यही बोलते थे कि इमरजेंसी में क्या क्या गलत हुआ है ना वो ये बोलते थे कि कांग्रेस तो बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक है उन्होंने तो देखो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया तो ये सब क्या कहके ये लोग अपना इलेक्शन के दौरान कैंपेन करते थे ठीक है तो इस दौरान जयप्रकाश नारायण एक सिंबल बन जाते हैं डेमोक्रेसी के लोगों को लगता था इंदिरा गांधी जी मतलब डेमोक्रेसी नहीं है जयप्रकाश नारायण मतलब ये डेमोक्रेसी के एक सिंबल है ओके okay? फाइनली जब 1977 के इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो पीपल वर शॉक्ड ठीक है ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था क्योंकि पहली बार आजादी मिलने के बाद 1947 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस हार जाती है डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन इससे पहले हमने देखा कि ऐसा तो हुआ था कि कांग्रेस जीत जाती है पर कम वोट आते हैं है ना पर ये ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोकसभा इलेक्शन में हमारी कांग्रेस हार जाती है कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ 154 सीट्स मिलते हैं परसेंटेज के टर्म्स में 35 परसेंट से भी कम वोट मिलते हैं कांग्रेस को अगर हम जनता पार्टी की बात करें जनता पार्टी एंड उसके जितने भी अलायंस थे उनको फाइव में से थ्री सीट्स मिलते हैं लोकसभा में ठीक है जनता पार्टी ने अकेले 295 सीट्स जीत लिए थे जनता पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी थी नॉर्थ इंडिया में हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि लोग कांग्रेस से बहुत नाराज हो जाते हैं बिहार यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब इन सारे एरियाज में कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाता रायबरेली अमेठी इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी इंदिरा गांधी को वोट मतलब कांग्रेस को वोट नहीं दिया जाता तो हम एक बार मैप को देख लेते हैं ठीक है तो मैप में ये जो भी ग्रीन स्टेट्स है ना बेसिकली ज्यादातर हमारा नॉर्थ इंडिया जो भी ग्रीन स्टेट्स हैं इन्होंने जनता पार्टी को वोट दिया था ठीक है जो भी तुम्हारे येलो स्टेट्स हैं येलो तुम देखोगे मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में है ठीक है ऊपर है जम्मू कश्मीर के आसपास और साउथ में है यहां पर कांग्रेस को वोट मिले थे अब इसके पीछे क्या कारण है पूरे इंडिया को नफरत होनी चाहिए थी ना कांग्रेस से ऐसा क्यों कि साउथ में नॉर्थ ईस्ट में और बहुत ऊपर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा था इसका रीजन ये है कि इमरजेंसी में ज्यादातर जो भी लोगों को सहना पड़ा था वो नॉर्थ में ही हुआ था इमरजेंसी का इम्पैक्ट साउथ तक नॉर्थ ईस्ट तक उतना पहुंचा ही नहीं था तो इसीलिए ये सारे स्टेट्स अब भी कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे थे ठीक है अच्छा तो इस इलेक्शन से ना एक चीज याद रखना हमें ये सीखने को मिला कि अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ करती है डेमोक्रेसी को हटाने की कोशिश करती है तो अगले इलेक्शन में जनता उस चीज को याद रखती है तो अगर कोई पार्टी डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ करेगी तो अगले इलेक्शन में सिटीजन्स उन्हें हरा देंगे ठीक है ये हमें सीखने को मिला चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनता गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट में तुम्हें बेसिकली ये बताया जाएगा कि जब हमारी जनता गवर्नमेंट आई कांग्रेस तो हार गई ना अब जनता गवर्नमेंट आई तो जनता गवर्नमेंट के बारे में तुम्हें बताया जाएगा जनता गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक चलती ही नहीं है अभी उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ ठीक है तो नेक्स्ट क्या होता है जनता गवर्नमेंट में आ, बहुत सारे लीडर्स थे जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे एक तो अपने मोरारजी देसाई है ना बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मोरारजी देसाई के बारे में ठीक है जो इंदिरा गांधी के राइवल भी थे 1967 में नेक्स्ट चरण सिंह जो कि भारतीय लोकदल के लीडर थे ठीक है और जगजीवन राम ठीक है तो ये तीन लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा था, फिर मोरारजी देसाई को इसके पीछे क्या रीजन था मैंने आपको पहले भी बताया इन लोगों के पास ना कोई पर्टिकुलर मकसद कोई आइडियोलॉजी नहीं था इन इनका यूनिटी इस चीज के ऊपर था कि यार इंदिरा गांधी को हटाना है इंदिरा गांधी को जीतने नहीं देना तो जैसे ये पावर में आते हैं इनमें आपस में लड़ाई होने लग जाती है जनता पार्टी स्प्लिट भी हो जाती है कुछ टाइम के बाद क्या होता है मोरारजी देसाई के पास जो मेजॉरिटी होती है वो मेजोरिटी भी हट जाती है एटीन मंथ्स के अंदर अंदर मोरारजी देसाई की मेजोरिटी हट जाती है उसके बाद एक और गवर्नमेंट आती है जिसमें चरण सिंह लीडर होते हैं चरण सिंह पावर में कैसे आते हैं कांग्रेस सपोर्ट करती है उन्हें कुछ टाइम के बाद कांग्रेस खेल जाती है कांग्रेस कह देती है चरण सिंह से कि हम नहीं कर रहे तुम्हें सपोर्ट तो ऐसे में चरण सिंह की जो गवर्नमेंट है वो भी पावर से हट जाती है उसके बाद जनवरी नाइनटीन में फिर से नए लोकसभा इलेक्शन होते हैं अब इस नए लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है जनता पार्टी हार जाती है ठीक है और फिर से क्या होता है कांग्रेस जीत जाती है कांग्रेस ने अपनी वो जो हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में बहुत ही अमेजिंग तरीके से जीत रहे थे वो तो उसी विक्ट्री को इंदिरा गांधी जी फिर से रिपीट करके दिखाती है ठीक है तो जनता पार्टी बीच में आती तो है जनता पार्टी को हटा दिया जाता है इंदिरा गांधी जी फिर से पावर में आ जाती है तो इससे हमें एक और चीज सीखने को मिली कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाए पर उसका कोई आइडियोलॉजी ना हो वो देश के लिए कुछ कर ना पाए अगर वो गवर्नमेंट स्टेबल ना हो तो क्या होता है अगले इलेक्शन में लोग उस गवर्नमेंट को हरा देते हैं ठीक है नेक्स्ट ये हमारा लास्ट टॉपिक है वैसे इस चैप्टर का लेगेसी लेगेसी में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे मतलब एक कंक्लूजन है इसमें से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस टॉपिक में बेसिक कंक्लूजन है कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को मिला आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है क्या विराट यार ऐसे तो बोर्ड एग्जाम पार नहीं होंगे तुम्हारे हम्म हाँ अरे यार यारनकना तुमने तो दिल जीत लिया मेरा यश ओके और अन्वेषा क्लियर है मनीषा क्लियर है सोना क्लियर है हाँ वी मैक्स क्लियर है बहुत बढ़िया हाँ बाहुबली को भी क्लियर है ओके इंद्र शुभमन हाँ इन दस पंद्रह बच्चों के नाम ना मुझे एकदम ऐसे याद हो गए तुम तो मुझे कभी भी ऐसे बीच में टोक के पूछ लोगे ना इन दस पंद्रह लोगों के नाम बताओ जो इतने दिल से फायर फायरिंग भेजते हैं तुम्हारे नाम याद हो गए हैं यार मुझे आज ये देखते हैं ठीक है मैं प्रॉमिस नहीं कर रही देखते हैं आ, ओके ठीक है और, और किसको कुछ बोलना है सबको क्लियर है क्या यहां तक हम्म क्या कौन सा कलर इन मैप कौन से कलर की बात कर हो तुम रुको मैप लगाते हैं फिर से ब्लू कलर ब्लू कलर मतलब अदर पार्टीज जो छोटी मोटी बाकी पार्टीज थी ना वो तुमने ब्लू की इतनी खतरनाक स्पेलिंग लिखी है ब्लू लिखा है पर्पल लिखा है समझ नहीं आ रहा पर्पल तो है ही नहीं अगर ब्लू पूछ हो तो अदर पार्टीज की बात हो रही है उसमें ठीक है हाँ और चलो सबको क्लियर है ऋषिदीप रिपीट कर दू शॉर्ट में रिपीट कर दू कुछ बच्चों के लिए ओके okay. तो बेसिकली तुम्हें ये बताया कि बीच में क्या होता है जनता पार्टी पावर में आ जाती है जनता पार्टी क्या कहती है कि इंदिरा गांधी तो डेमोक्रेसी को मानती ही नहीं सेव डेमोक्रेसी का नारा लगा के जनता पार्टी पावर में आ जाती है पर जनता पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं होता कोई मकसद ही नहीं होता वो तो सिर्फ इंदिरा गांधी को हराना चाहते थे तो जैसे ही जनता पार्टी पावर में आती है वो आपस में लड़ने लग जाते हैं जनता पार्टी टूट जाती है कुछ टाइम के बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी फिर से जीत जाती है बस इतनी सी कहानी समझाई मैंने तुम्हें ओके रिपीट कर दिया तुम कह रहे थे ना रिपीट कर दो प्रदीप जो भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिख दो ओके ठीक है चलो तो फरीदाबाद में आना जाना है मेरा फरीदाबाद तो यार यहीं बगल में है मेरे घर से ठीक है यशिका क्लियर है चलो लेगेसी डिस्कस करते हैं ओके तो वॉज इट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी ठीक है तो क्या बस इस कहानी में ऐसे ही हुआ कि इंदिरा गांधी जी वापस आ गई ठीक है फिर से कांग्रेस डोमिनेशन चलेगा तो क्या बस यही केस था ठीक है तो ऐसा नहीं है बेसिकली तुम्हें अब इस टॉपिक में कांग्रेस पार्टी की थोड़ी-थोड़ी बुराइयां बताई जाएंगी ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था कि ये वाला जो कांग्रेस था ना इसमें वो पहले वाली बात नहीं थी ठीक है इस कांग्रेस में उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी इस कांग्रेस में बस एक लीडर थी इंदिरा गांधी जिसको जिनको इंडिया बहुत ज्यादा पसंद करती थी जिनका पॉपुलर अपील बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से बार बार कांग्रेस जीत रही थी पर इस नए कांग्रेस में वो बात नहीं थी जिसके थ्रू वो इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती नेक्स्ट तुम्हें ये बताया जा रहा है इस दौरान हमारी जो इंदिरा गांधी है वो पुअर लोगों को बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को विमेन को ट्राइबल्स को बहुत सपोर्ट करती थी एंड ये एक ऐसा टाइम था हमारी इंडियन पॉलिटी में जब बैकवर्ड क्लासेस की बात होने लगी मंडल कमीशन याद है सबको हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में मंडल कमीशन भी इसी टाइम के अराउंड बनता है इसी टाइम के अराउंड रेजर्वेशन के बारे में ठीक है रेजर्वेशन के बारे में बात होनी स्टार्ट होती है ठीक है अनदर क्रिटिकल इशू दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द रोल एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोटेस्ट ठीक है इस दौरान एक और चीज जो कि हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि लोगों का प्रोटेस्ट करना लोगों का स्ट्राइक करना उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल डेमोक्रेसी में जब लोग स्ट्राइक करते हैं जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उससे डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा बदल सकती है तो अभी तो बस ये एक लाइन बताई जा रही है आगे आने वाले चैप्टर में तुम लोग इन डिटेल इंडिया के अलग अलग पॉपुलर प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ोगे ओके चलो तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश होता है ठीक है तो एक और हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है तुम लोग अपने आ, मतलब अगर तुम्हारा कुछ प्लान है टाइम टेबल है तो उसमें टिक मार सकते हो कि एक और चैप्टर हम लोगों ने अपने सिलेबस में कवर कर लिया तीन चार चैप्टर्स बच रहे हैं वो भी हम लोग चार पांच दिन में फिनिश कर लेंगे उसके बाद सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे तो मैं एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ कल 11 बजे तुम्हारी क्लास होगी जिसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो भी बच्चे हैं यहाँ पर टाइम से सुबह कल 11 बजे पहुंच जाना और फिर ऑब्वियसली कल 9 बजे भी हम लोग क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है क्लियर है सबको खुशी वेलकम फातिमा क्लियर है वी मैक्स वेलकम सबको वेलकम ऑलवेज देयर फॉर यू मैम कनकना थैंक यू सो मच ठीक है ओके okay? हाँ चलो बच्चों तो आज हम लोग इतना ही करते हैं दैट सिर्फ फॉर टूडे अब हम लोग मिलते हैं अपने कल सुबह वाले ग्यारह बजे वाले लेक्चर में ठीक है टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू